नरसिंहपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूल में पढ़ाई के लिए नरसिंहपुर गई हुई थी, तभी चार लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण कर उसे भोपाल ले गए और दो दिनों तक उसके साथ शोषण किया। बाद में उसे नरसिंहपुर छोड़ गए। साथ ही लड़की को धमकाया कि अगर उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो उसे जान से मार देंगे। दबाव डालकर पीड़ित लड़की से अपने पक्ष में पुलिस में बयान दर्ज करवा दिए। उसके बाद लड़की जब अपने घर पहुंची तो पूरी बात उसने अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़ित लड़की की मां ने इस मामले की शिकायत एसडीओपी से की और बेटी को न्याय और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिस पर नरसिंहपुर एसडीओपी ने कहा हम इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो? हमें वो लड़कों को सजा दिलवाना, उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की है और हमें ले गए थे जबरदस्ती। क्या किया है और किस बात की सजा दिलाना है? वो हमें छेड़ते थे और हमारे साथ उनने रेप किया है। रेप करने की मतलब हमें शंक आए कि इन्होंने हमारे साथ किया, क्योंकि इन्होंने हमें बेहोश किया था। कब की बात है ये? कौन लड़के हैं वो? सचिन यादव। सचिन यादव और सचिन कश्यप उर्फ बॉस। कहाँ ले गए थे आपको? जबलपुर ले गए थे। वहाँ कहाँ रखा था? वहाँ से भोपाल ले गए थे, उनकी बुआ की लड़की के घर रखा। दोनों लोग थे। हाँ। फिर कैसे आ पाई आप यहाँ? गुलाम पटेल ने इनको फोन लगाया था कि तुम्हारे मम्मी पापा को उठा लिया, तो इन्होंने हमें मारा पीटा बहुत ज़्यादा और बोला कि तुम ऐसे देना, वरना अगर तुमने बोला कि ये ले गए थे और कुछ बोला तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, स्कूल तो जाओगी, कहीं तो जाओगी, भाई बहन को कोई को भी काट के फेंक देंगे। कौन है ये मुलायम पटेल? सरपंच रोशा का। अच्छा, उसने धमकी दी थी आप लोगों को? हाँ, उसी के कहने पर उनके लड़कों ने। कितने लड़के थे? चार। क्या क्या नाम है उनके? सचिन यादव और एक मनीष ठाकुर और सचिन कश्यप उर्फ बॉस, और दो लोग को नहीं जानते, सामने आएंगे तो पहचान जाएंगे। अभी भी क्या बोलते हो? अभी भी हम स्कूल जाते पेपर देने तो पीछे पीछे आते हैं और स्कूल में भी घुस जाते हैं, कभी कभी तो हम अंदर चल जाते हैं डर। इसके पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए थे? गए थे। क्या बोला वहाँ पर? वहाँ पे नहीं गए, हम गए थे, मम्मी गई थी। क्या शिकायत करने आज आप आई यहाँ आई हैं? सर वो चार लड़के हैं, हमारी लड़की को उठा कर ले गए थे, सचिन कश्यप, सचिन यादव, मनीष ठाकुर और दो साथी और हैं जो आने की चेहरा पहचाने लेकिन नाम नहीं जाने। कहाँ ले गए थे उठा के? सर पहले वो जबलपुर ले गए थे, वहाँ से फिर इन हमारा पीटा जबरदस्ती की मेरी लड़की के साथ, फिर भोपाल ले गए, भोपाल में सचिन यादव की बुआ की लड़की के घर, तो उसकी बुआ की लड़की घर से बाहर चली गई और बोल गई कि इसको संभाल लेना कि अपने खिलाफ ये सब कुछ ना कहें। फिर कैसे आई आपकी लड़की? सर हमारी लड़की को मुलायम पटेल ने बुलवाया। मुलायम पटेल कौन है? जी पूर्व सरपंच है। अच्छा, उन्हें क्यों बुलवाया मतलब? सर वो आने की उन्हीं के लड़का लोग हैं वो। अच्छा, और उन्हीं ने भेज आने की किडनैप करवाई है और उन्हीं ने बुलवाई है। धमकी वगैरह भी दी थी क्या फोन पे? सर गुरुवार की शाम को मुलायम पटेल हमारे घर आया था। हाँ। और घर में आकर बोला कि कुछ मत करो, वो हमारे लड़के हैं। हाँ। वो तो फरायरी काट रहे हैं। हाँ। और हम उनको बाद में पकड़वा देंगे, लेकिन आप कुछ मत करो, हम राजनीति वाले नेता लोग। इसकी शिकायत की थी आपने? नहीं सर, हमने कहीं नहीं की। फिर वो आजू बाजू घूमने लगे। हाँ। हमको देखने लगे, इस वजह डरो में हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कब तक छुप कर रहे हैं, लड़की स्कूल जाती तो स्कूल में। कितना समय हो गया है? हम आए थे बुधवार के दिन, एसपी साहब का किडनैप करके कितने समय पहले ले गई थी? 18 तारीख को 1 बजे और 2 दिन 1 रात में वापस की हमारी लड़की। ठीक। और उसके साथ जो भी दुष्कर्म किए हैं, उल्टा सीधा सब कुछ किए हैं। ठीक है सर, ये एक नाबालिग लड़की का मामला आया जिसमें उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और कहा जा रहा है भोपाल उसे ले गए थे कुछ लड़के, वो स्टेशन थाने में FIR की गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा आरोप लगा रही है लड़की। क्या है पूरा मामला? ये वास्तविकता ये है कि एक नाबालिग बच्ची है जो कुछ लोगों ने उसके साथ में बहला फुसला करके डरा धमका करके अपने साथ ले लिए थे और वो उन्होंने बताया कि वो पहले जौनपुर ले गए, वहाँ से ट्रेन से बैठा करके भोपाल ले गए थे
और भोपाल में उन्हीं के रिश्तेदारों के यहाँ ले जाकर के शायद उन्होंने उनके साथ में गलत व्यवहार किया है और कुछ गंभीर घटनाएं उनके साथ बच्ची के साथ की है। चूँकि बच्ची दस्तयाब हो चुकी थी और उसके बयान थाने में हुए थे, तब उन्होंने उन लोगों के डर के कारण ऐसा कोई बयान नहीं बताया था और साथ ही साथ बच्ची के 164 के कथन माननीय न्यायालय में हुए थे, तब भी बच्ची ने ऐसा कोई नहीं बताया। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं स्वयं अकेली गई थी और घर से भाग के चली।